सात मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए है तो पांच मीटर कपड़े का मूल्य क्या एक ही नियम के द्वारा करना है तेरा सवाल क्योंकि सात मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए इसलिए एक मीटर कपड़े का मूल्य 1470 में सात का भाग ये पूछ रहा है कि पांच मीटर कपड़े का मूल्य कितना है इसलिए पांच मीटर कपड़े का मूल्य सात दुनी चौदह और सात एक ये बात मुझे अपन सात दुनी चौदह सात एक सात गुणा करेंगे इसको जीरो की जीरो पांच कम पांच पांच एक हजार पचास इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर दो जो इस प्रकार से है एक का दस दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है तो 30 दिन में वे कितना कमाएगी क्योंकि वही 10 दिन में 1 का कमाती है 3000 इसलिए एक दिन में एकता कम इसलिए 3 दिन में एकता एक दो तीन जीरो तीन दिया 9000 तीन दिन में एक कितना कमाई है 9000 रुपए ये हमारे दो प्रश्न हो गए बच्चों तीसरा प्रश्न इसी क्रम में ये है यदि पिछले 3 दिन में 276 में भी वर्षा हुई हो तो एक सप्ताह में कितने सेमी वर्षा होगी यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है क्योंकि तीन दिन में वर्षा हुई 276 एम इसलिए एक दिन में वर्षा हो 23 और 3 2 6 एक सप्ताह यानी कि 7 दिन इसलिए 7 दिन एक सप्ताह में वर्षा 92 7 7 3 14 आखिर का ए 7 9 63 64 644 इसी क्रम में हमारा चौथा सवाल जो पेज नंबर 280 पे है आपके पांच किग्रा गेहूं का मूल्य 91.50 रुपए चौथा सवाल क्या है क्योंकि 5 kg गेहूं का मूल्य 91.5 इसलिए
93 लिखूंगा 5 काटेंगे इसको 5 एकम 5 बच गया 4 41 हो गए 5 अठे 40 बच गया 1 5 3 पहला सवाल 8 केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा इसलिए 8 केजी गेहूं का मूल्य 18.30 0 के 0 0 8 के 24 के 4 के 2 8 के 64 और 2 66 का 6 66 के 6 8 के 14 इसी क्रम में दूसरा पूछ रहा है कि 183 रुपए में कितना गेम आएगा तो इसको उल्टा करेंगे इसका बी पार्ट क्योंकि 18.30 इसका दशमलव हटाएंगे ये भी काट देंगे 183 बटा हुआ 10 रुपए में आता है 1 केजी गेहूं इसलिए 1 रुपए में आएगा 1 × 10 बटा हुआ 183 इसलिए ये पूछ रहा है 183 10 बटा हुआ 183 × 183 बराबर 10 कितना आएगा 1 इस प्रकार से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ आज हमने 4 प्रश्न देखे हैं इन 4 प्रश्नों को आपको एक बार पुनः घर पर जाकर के दोहराना है कोई चीज यदि आपके समझ में नहीं आई है तो उसे आपको पूछना है कल फिर हम मिलेंगे इसी समय पर इसी जगह पर क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया है 5 के क्वेश्चन से मुक्ति से प्रारंभ करेंगे बच्चों मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी होमवर्क हम दे रहे हैं उसे निरंतर करना है हर विषय के अपने अपनी कॉपी के अंदर करना है गणित की विषय को गणित के अंदर करना है सामाजिक का सामाजिक में इनको होमवर्क को जैसे ही आपके पास 2-4 चैप्टर इकट्ठा हो जाता है या 10-20 पेज इकट्ठे हो जाते हैं तो आप या आपका अभिभावक कोई भी जाकर के विद्यालय में आकर के इसको चेक कर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी वापस पुनः अपनी ही बिल्डिंग में पुराने हिंदी मीडियम की बिल्डिंग में आकर के चेक करेंगे इसी क्रम में बच्चों आज हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति ये पैदा हो रही है कि राज्य सरकार जो हमारी सरकार है उसने हमारे पाठ्यक्रम को संशोधित करके बताया है उस संशोधन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहे आपको कि भाई क्या हटा है क्या नहीं हटा है किस बुक में पार्ट के बीच में से हटा है ये सारी समस्या आ रही थी इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने एक वर्कबुक लगाई है एडवाइजर की वर्कबुक है जो आपको तख्ते के नीचे अशोक पुस्तक मंदिर है बड़े तख्ते के नीचे डिस्पेंसरी के नीचे एडवाइजर की बुक है वर्कबुक है वो आपको प्रत्येक विषय की लेनी है उसमें कंप्लीट रूप से संशोधित पाठ्यक्रम 100% संशोधित पाठ्यक्रम में आपको अन्य चीजों को देखना नहीं है याद नहीं करना है केवल इस वर्कबुक को फिलअप कर ले और सीखा ये आपका इसको फिलअप करने का कार्यक्रम हमने 31 जनवरी तक कर रखा है तो आप जल्दी से जल्दी इसको खरीदें और 31 जनवरी तक इसको फिलअप करें इस प्रकार से ये आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की वर्कबुक है जिसकी कीमत इसके पीछे लिखी हुई है यहाँ पर 60 रुपए एक वर्कबुक की है ये हिंदी की देखी आपने अब ये गणित की देखिए इस प्रकार से ये गणित है फिर इसी क्रम में आपके पास इंग्लिश की है ये इंग्लिश की वर्कबुक है बच्चों ये
ये आपको खरीदनी है। इसी क्रम में आगे हमारे पास सामाजिक की वर्कबुक है, इसकी भी कीमत वही 60 रुपए है। इसी क्रम में हमारे पास आगे विज्ञान की वर्कबुक है जो आपको 1500 परचेज करनी है। और छठी और अंतिम वर्कबुक जो हमारे पास है वो संस्कृत की है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वे विद्यार्थी जिनके संस्कृत नहीं है उर्दू है, यदि वहाँ उर्दू की मिल रही हो तो उर्दू की वर्कबुक ले लें, और यदि उर्दू की नहीं है तो आप लोग केवल 5 ही वर्कबुक लें और इसे शीघ्र अति शीघ्र भर करके चेक करवाएं विद्यालय में, और इसके अनुसार आपका जो पिछला हाफ ईयरली तक का 50 अंक है वो और इसको या आपके वार्षिक परीक्षा में याद करने में आपको सुलभता प्रदान करेगी, क्योंकि आप ऐसे छाट नहीं पाएंगे कि 50% कौन सा है, 50% कौन सा हटा है, कौन सा है। इसलिए ये वर्कबुक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इसके ऊपर प्रिंट रेट 60 रुपये है। दुकानदार यदि कुछ कम करता है तो आपकी मर्जी है, वहाँ देख लें आप, अशोक पुस्तक मंदिर से लेंगे। आज हम इतने रखेंगे बच्चों, कल के फिर देखें।